पिछली वीडियो में आपको जापानी ट्रिक दी थी, आपको तो बहुत पसंद आई। आपने कहा सर जापानी ट्रिक लेकर आए हो, कोई भारतीय ट्रिक भी लेकर आओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए स्क्वायर निकालने की भारतीय ट्रिक लेकर आया हूं, और इतनी जबरदस्त ट्रिक है, सिर्फ दो स्टेप फॉलो करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे। एक का निकालो या 1000 का निकालो, सबका नंबर का स्क्वायर निकल के आएगा सिर्फ दो स्टेप फॉलो करके। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। स्टडी मतलब डियर सर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर एक मिनट बाद वीडियो में आपको सरप्राइज मिलने वाला है, और वो सरप्राइज इन्हीं के आंसर में छुपा हुआ है, तो ढूंढने की कोशिश करो आप लोग। यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर करने के लिए यहां पर कुछ नंबर लिखूंगा, यहां पर कुछ नंबर लिखूंगा, और इनके बीच में कुछ नंबर लिख दूंगा, और फिर दोस्तों मेरा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इतना ही टाइम आपको भी लगेगा स्क्वायर निकालने में ये वीडियो देखने के बाद। फिर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखूँगा, अलग से कुछ नंबर लिखूँगा, और वो नंबर मैं यहाँ लिख के फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसका स्क्वायर लेके आ जाऊँगा। इतना ही टाइम आपको भी लगेगा स्क्वायर निकालने में, मैं सर बता रहा हूँ बिल्कुल। अगर नंबर बड़ा भी हो, मैं कह रहा हूँ 1000 तक जा रही है ये ट्रिक, मैंने आपसे कहा है ना 1000 तक जा रही है ये हमारी हिंदुस्तानी ट्रिक, भारतीय ट्रिक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर भी कुछ नंबर लिखूंगा और यहाँ पर भी कुछ नंबर लिखूंगा, और फिर मैं सोचूंगा और मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर इसका भी स्क्वायर लिख दूंगा। दोस्तों कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस इंडियन ट्रिक लेकर आया हूँ आज मैं आपके लिए। तो आप जानना चाहेंगे क्या, अच्छा वो सरप्राइज मिला क्या आपको, सरप्राइज मिला आपको, देखिए ना यहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसको किसी और ट्रिक से सॉल्व किया और इसको मैंने किसी और ट्रिक से सॉल्व किया। अरे वाह मजे आ गए आपको, इसका मतलब स्क्वायर की एक से ज्यादा ट्रिक मैं दूंगा इस वीडियो में, यही आपके लिए सरप्राइज है मेरे दोस्तों। एक से ज्यादा स्क्वायर निकालने की ट्रिक हम सीखेंगे कि हम कैसे कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देर की तो बात की, आइए सीखते हैं। तो अगर आप भी ये जबरदस्त ट्रिक सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका फायदा ये है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहां पर। आइए देखिए, अब हमें निकालना है स्क्वायर। मैं दो ट्रिक सिखाऊंगा स्क्वायर निकालने की, तो पहले सीखते हैं हमारी पहली ट्रिक, और सिर्फ दो स्टेप फॉलो करना आपका आंसर आएगा। तो पहली ट्रिक की स्टेप वन हम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दो नंबर दे रखे, जी दे रखे। आप क्या करेंगे, पहली स्टेप में इसका स्क्वायर निकाल के आप इधर लिख देंगे, मैंने लिख दिया। तीन का स्क्वायर 9 होता है, मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, और मैंने यहाँ पर दो डिजिट में लिखा है। हम यहाँ पर नंबर को जो दिखाएंगे वो दो डिजिट में दिखाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 5 लिखा होगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 तो पहले ही हमारा 2 डिजिट है, तो उसको हम 25 लिख देंगे, खाली वहाँ पर 0 मत लगाना। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर निकाल के इधर लिख देंगे, 2 हमारे 64 होते हैं। सर इसका इधर लिखा, इसका इधर लिखा, बीच में क्या करें, बीच में खाली कुछ छोड़ दिया। अरे बीच में आप ये करो भाई, इसकी इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, मतलब कि जो तीनों नंबर हमें नजर आ रहे हैं ना, इन तीनों की आपस में गुणा करो, इनकी मल्टीप्लाई करके आप बीच में लिख दो, तो 8 + 3 = 24, 24 × 48, ये आपका बीच में आ जाएगा। आपकी स्टेप वन कंप्लीट हो गई, बहुत छोटी सी। क्या करना है आपको भाई, इधर वाले नंबर का स्क्वायर निकाल के इधर लिखना, लेफ्ट हैंड साइड वाले का स्क्वायर निकाल के इधर लिखना, और बीच में तीनों की मल्टीप्लाई करके लिख देना। इतना सा आपको काम करना है, हो गया हो गया। आप सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए स्टेप क्या है, यहां पर ये वाला नंबर आप एज इट इज उतार देना, इसके बाद जो बचा हुआ नंबर है वो आगे आप कैरी दे देना, तो 0 आगे हासिल जाएगा, तो 8 और 0 आपका 8 ही रहेगा। फिर क्या करना, ये नंबर आप एज इट इज उतार देना और इसका बाकी का नंबर आप आगे हासिल दे देना, तो 64 और 4 आपके हो जाएंगे कितने, 68 आपका स्क्वायर आ गया। मुबारक हो जी, इतना आसान है, देखिए आपने सिर्फ दो स्टेप फॉलो करिए आपका आंसर आ गया। ये एक नंबर का और निकाल के दिखाता हूं, फिर मैं सिखाऊंगा आपको इसी को स्क्वायर निकालने की दूसरी ट्रिक, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए मान लीजिए मुझे यहां पर निकालना है, मुझे किसका निकालना है, मुझे 37 का निकालना है, चलिए मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, 7 × 7 = 49 करूंगा, 3 × 3 यहाँ पर 9 करूंगा, बीच में कर दूंगा 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42, ये 9 एज इट इज आएगा, ये 4 आगे जाएगा, 42 × 48 = 6 आएगा, हासिल लगा 4 आएगा, 9 × 4 = 13, 1369 आ गया आपका। इतनी ही जल्दी आपसे भी निकलेगा, सिर्फ दो स्टेप फॉलो करना आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ट्रिक हमारी दोस्तों ये थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ, अगली ट्रिक क्या है उसको देखते हैं। देखिए अगली ट्रिक की स्टेप नंबर 1, ठीक है, दूसरी ट्रिक स्टेप 1 क्या आपको करना है, आपको इसका स्क्वायर नीचे निकाल के एज इट इज लिख देना, 7 × 49 मैंने लिख दिए, इसका स्क्वायर निकाल के इसके नीचे लिख देना, यहाँ पर 5 × 5 = 25 होता है, इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इनके तीनों की अलग से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 70, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये किया कि इन तीनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर ली, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 70, और उस 70 को आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से एक नंबर छोड़ेंगे, एक नंबर के बाद उस नंबर को आप लिख देंगे, यहाँ पे आ गया 70, इनको आप जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 4 7 5 12 का, तो हासिल लगाया 2 1 3 आपका आंसर आ गया।
जी हाँ दोस्तों, इतनी आसान है ये ट्रिक भी। आइए इसका भी मैं एक नंबर और ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया 99 का स्क्वायर। ट्रिक कैसे कि हमने भाई इसका स्क्वायर इसके नीचे लिखो, इसका स्क्वायर इसके नीचे लिखो, यहाँ पे बीच में 9 में 81 और 81 दूनी आपका कितना होगा, 81 दूनी आपका हो जाएगा 162। अब 162 में कैसे लिखूंगा, उधर से एक छोड़ के लिखूंगा, तो यहाँ पर मैंने ये 162 लिख दिया। इसको जोड़ लो, एक का एक 8 को 10 का 0 आसिल लगाए 6, 7 और 1 8 और 8 और 1 9 98 0 किसका गया स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ ना किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेना, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेना। ये ट्रिक आपको आसान लगे इससे निकाल लो, ये ट्रिक आपको आसान लगे इससे निकालो। इसमें मैंने क्या किया भाई, इधर वाले का स्क्वायर इसके नीचे लिखो, इधर वाले का स्क्वायर इसके नीचे लिखो, बीच में तीनों को मल्टीप्लाई करके उधर से एक छोड़ के लिख दो, इनको जोड़ लो, इसका स्क्वायर आ जाएगा निकल के। किसी भी नंबर पे अप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने की नहीं, स्क्वायर करने की भारतीय ट्रिक है ये, बहुत जबरदस्त। अच्छा देखिए, ये दो ट्रिक सीख ली हमने। अब यहां पर बड़ा नंबर भी आ गया दोस्तों, अब हम 1000 तक जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना, तो 1000 तक का नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ऐसी कमाल की ट्रिक सिखाने जा रहा हूं कि जितने भी आपके 3 डिजिट के नंबर हैं 100 से लेके 999 तक सबका स्क्वायर आप निकालेंगे, कुछ ही सेकंड्स के अंदर निकालेंगे। आइए कैसे निकालेंगे वो आप सीखते हैं। तो पहले मैं एक छोटा नंबर लेकर उससे आपको ट्रिक सिखाऊंगा, फिर आप बड़े बड़े नंबर से भी उसको अप्लाई कर लेना, सबका आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने मान लीजिए नंबर ले लिया, 112 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले स्टेप आपकी ये है, आपको ये देखना है कि इस नंबर के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें जीरो आते हैं। तो उससे क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, आपको पता है ये बात। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके आसपास जीरो हो। तो हम देख रहे हैं कि 112 के आसपास एक नंबर ऐसा है, कौन है वो, 100 है। 100 में दो जीरो आते हैं, तो मैं क्या करूंगा इसको 100 बनाने के लिए, मैं क्या करूंगा भाई, मुझे इसकी इसमें से 12 कम करने पड़ेंगे जब तो 100 बनेगा, और 100 को 112 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें 12 प्लस करने पड़ेंगे जब ही 112 बनेगा। मतलब मुझे क्या करना है, सिंपल एज दैट, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इस नंबर के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें जीरो छुपे हुए, और जो नंबर हो ना वो कितना, ये नंबर उससे इतना कम है उतना ही मैं माइनस करूंगा और उतना ही मैं प्लस करूंगा। जैसे कि 112 जो है वो 100 से कितना है, 12 ज्यादा है ना, तो मैं क्या करूंगा 12 ही कम करूंगा और 12 ही इस नंबर में प्लस करके लिखूंगा। अब स्टेप 2 में देखिए लिखना कैसे। तो जब मैंने 112 में से 12 कम किए तो ये हमारा 100 बन गया, हमें 100 बनाना है, मल्टीप्लाई आसान बनानी है, और दूसरे में मैं मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा 112 में ही 12 जोड़ दूंगा, तो 112 और 12 हो जाएंगे आपके 124। ये हमने कर दिया सेकंड स्टेप। अब आगे क्या करेंगे, आगे आपको थर्ड स्टेप में ये कर रहा है कि जो भी हमने कम और बढ़ती नंबर किया है ना, ये इसका स्क्वायर आपको करके अलग से लिख लेना। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी 144 अलग से कहीं पर लिख लेता हूं, ये हमारे आगे काम आएगा आंसर में। देखिए मेरे दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, अब हमें जीरो काटने हैं, जो जीरो हम लाए अपने मल्टीप्लाई आसान करने के लिए उसको हमें हटा देना है। अब तो हटा देने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर दो जीरो हैं तो मुझे इसके 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो ये हट जाएंगे, तो मैं इसकी 100 से डिवाइड कर देता हूं। लेकिन अब मेरे दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहां पर 100 से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब जिसमें दो जीरो आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने स्क्वायर लिया ना, इसमें से मुझे दो डिजिट अपने आंसर के लिए उठाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं मान लो यहां पर 10 से डिवाइड करता, तो फिर यहां से सिर्फ मैं एक डिजिट उठाता, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर मैंने 100 से डिवाइड करी, दो जीरो से दो जीरो पूरे पूरे उड़ गए, ठीक है। अब क्या बचे, यहां पर हमारे पास 124 होते हैं, अब ये जो हमने उठाया था ये यहां पर लिया हो, अब यहां पर क्या है, हमें सिर्फ यहां से दो डिजिट उठाने हैं, हमने 100 से डिवाइड करी है, तो दो डिजिट तो हमारे एज इट इज आ जाएंगे, और ये जो एक है ये इसमें हासिल चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2, 4 और 1, 5 और 4, 4। आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, इसका स्क्वायर निकल चुका है। तो इतना आसान है, एक बार मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको देखना है ऐसा नंबर जो इस नंबर के आसपास हो और इसमें जीरो हो, फिर हमें देखना है ये नंबर जितना कम है ना, मतलब ये नंबर जितना उस नंबर से ज्यादा है तो उतना ही आप कम करो, एक बार उतना ही प्लस कर दो। यहाँ पर 112 जो है वो 12 ज्यादा था, तो हमने 12 कम किया उसको 100 बनाने के लिए, वो 12 ही उसमें जोड़ दिया, उसको 124 बना लिया हमने। फिर हमने क्या किया, हमने ये जीरो हटाने के लिए उसकी 100 से डिवाइड करी, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा जो नंबर घटा और बढ़ा है उसका जो स्क्वायर हमने निकाला है उसमें से हम दो डिजिट लेंगे और वो लिख देंगे, और बाकी का नंबर आगे कैरी करके उसमें प्लस करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। ये मैंने छोटे नंबर से सिखाया, अब देखिए यही ट्रिक बड़े नंबर पे भी अप्लाई होगी, कैसे होगी आइए करते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर है आपका 987, आपको इसका स्क्वायर निकालना है।
कैसे निकालेंगे? अरे बहुत आसान है, जो यहाँ करा वो यहाँ कर दो। सबसे पहले देखा भाई इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर है इसमें जीरो छुपे हुए, तो वो नंबर यहाँ पर 1000, ठीक है 1000 इसके आसपास है और उसमें जीरो आते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब ये कितना कम या ज़्यादा है मैं ये देखूंगा। तो अगर मैं इसमें 13 जोड़ दूँ, ठीक है मैं इसमें 13 जोड़ दूँ तो 1000 बन जाएगा। ये हमने इसको पहले बना लिया 1000, ये बना लिया। अब क्योंकि मैंने 13 ही जोड़ लिया तो मैं क्या करूँगा, 13 ही घटाऊँगा अभी। तो यहाँ पर मैंने इसमें से -13 भी कर दिया, तो 7 में से 3 जाएगा आपका 4 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा आपका 7 बचेगा, और 9 का आपका 9 आ जाएगा, ये आ गया आपका 976। ये हो गया। अब हमें क्या करना था भाई, जो भी हमने घटाया बढ़ा है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर लिख लेना एक तरफ। तो ये मैंने उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया 169, ठीक है ये मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये करना है भाई जीरो काटने, तो 3 जीरो है ना, तो यहाँ पर मैं इसके 3 जीरो वाले नंबर से मतलब 1000 से डिवाइड कर दूंगा। अब क्योंकि मैंने 3 जीरो से डिवाइड करी है तो मैं पूरा ही तीनों डिजिट उठा लूंगा। लो मेरा काम तो और आसान हो गया, बड़े नंबर में क्या करूंगा मैं तीनों ही डिजिट उठा लूंगा आंसर में। तो 0 से 0 कट गया, 974 एकम 974, ये लीजिए जी आपका स्क्वायर निकल के आ गया 974169। तो कोई सा भी आप नंबर ले लेना, आप ये ट्रिक फॉलो करना, आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे सर आपने चालाकी करी है, आपने चालाकी करी सर, चालाकी ये करी आपने, तो ऐसे नंबर ले लिए जो पहले से ही 100 और 1000 के पास है। सर बीच का नंबर लेके समझाओ ना, मान लीजिए कोई नंबर बीच का आ गया, जैसे कि यहाँ पर हमारे ले लेती हमने 645 ले लिया मान लीजिए हमने। अब ये तो बीच में आता है भाई, ये तो बहुत दूर है ना। अगर हम इसको 600 बनाएंगे तो हमें 45 घटाना पड़ेगा और फिर 45 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 13 का निकाला और 45 का स्क्वायर तो मैं नहीं आता, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसका भी समाधान है, बहुत आसान है। देखिए आपके इसका भी आंसर आएगा। हमें क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, अगर 600 दूर है ना तो 650 तो इसके पास है ना, और 650 में भी जीरो आता है, तो आप इसको 650 में ले जाओ, आप इसको 640 में ले जाओ, इसमें ले आ सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं 650 में ले आता हूँ। अब देखिए 650 अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, और अगर मैं 5 ऐड कर रहा हूँ तो मैं 5 इसमें से माइनस कर दूंगा। तो जब मैंने इसमें 5 ऐड करा तो ये बन गया आपका 650, और जब मैंने इसमें 5 माइनस किया ये बन गया आपका 640, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर कर देता हूँ अलग से, ये मैंने कर दिया 5×5=25, ठीक है। अब क्या करना है, जीरो काटनी, आइए काटते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो काटूंगा तो इसकी 10 से यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, लेकिन फिर मैं एक ही डिजिट इसका ले पाऊंगा, अगला डिजिट जो है वो मुझे कैरी देना पड़ेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरा काम आसान हो जाए, मैं दोनों ही डिजिट एक साथ घटा लूँ, मैं हासिल के चक्कर में क्यों पढ़ूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी 100 से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा भाई, 2 मैंने 0 से डिवाइड करी तो मैं पूरा का पूरा नंबर ही उठा लूंगा अपने आंसर में, ये मैंने उठा भी लिया, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, देखिए इस 0 से ये 0 कट गई, अब इस 0 के बदले यहाँ पर लगेगी एक पॉइंट, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 6.5, 6.5 बन जाएगा। अब 6.5 को आप आसान कर सकते हो, क्योंकि अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 6.5 की मल्टीप्लाई जो है ना वो 640 से करनी पड़ेगी, जो कि एक मुश्किल काम है। लेकिन आप ऐसा मत करो, इसको और आसान कर लो भाई, 6.5 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 13/2, ये भी तो लिख सकता हूँ, 6 और 6 12, आधा आधा 1 12 और 1 13 आ गया, तो 13/2 तो लिख दिया मैंने, काम आसान हो गया मेरा। तो अब मैं क्या करूँ, 2 नीचे 2 से इसको डिवाइड कर दूँगा, तो 2 3 6 2 2 4 0 का 0, अब मुझे सिर्फ इसकी 13 से मल्टीप्लाई करनी, मेरा आंसर आ गया। तो भाई 13 0 हमारा 0 हो जाएगा, 13 2 26 6 हासिल लगा दो, 13 3 39 और 2 हमारे 41, तो ये हमारा इसका स्क्वायर निकल के आ गया। तो अगर बीच का कोई नंबर फंस जाए तो आप ऐसे कर लेना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई, कोई सा भी नंबर उठा लो आप, आपका आंसर आएगा। अब जल्दी से इस वीडियो को मेरे दोस्तों लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है, ठीक है। स्क्वायर निकालने की भारतीय ट्रिक है ये, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सारे हिंदुस्तान में इसको आप फैला दें, जंगल में आपकी तरह बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आप नए साथी हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।